सबसे पहले मुकेश सर एक डॉक्टर की बात कर रहे थे, डॉक्टर की जो है राइटिंग जो है समझ में नहीं आती है, और ये हकीकत है, क्योंकि आप अगर सर्वे उठा के देखेंगे तो पूरी दुनिया में हर साल 7,000 लोग की मौत हो जाती है डॉक्टर की राइटिंग की वजह से। वो डॉक्टर की राइटिंग ना समझ पाते हैं, ना मेडिकल वाले को समझा पाते हैं, और उसकी वजह से 7,000 लोग मर जाते हैं। 1,45,000 लोग लगभग आपके भारत देश के अंदर जो है आत्महत्या करते हैं। ये कुछ डेटा है, कुछ सर्वे है, तो इस डॉक्टर की बात पे मैंने सोचा कि बात बोल दूँ। बाकी सभी लोग को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, खेम छो, आमची माठीनगंज। अरे आमची का मतलब होता है मेरा, मराठी वर्ड में, राइट। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने 10 साल पूरा किया है, इसीलिए हम करते हैं कमाल, इसीलिए पूरा किए हैं 10 साल। अब 10 साल ये जो हमने कंप्लीट किया, 10 साल में हम लोगों ने 120 महीना कंप्लीट किया। 120 महीने में हम लोग 521 हफ्ता कंप्लीट किया हम लोगों ने। 521 हफ्तों में हम लोग 3650 दिन कंप्लीट किया हम लोगों ने। 3650 दिन के अंदर हम लोगों ने 87,600 घंटा कंप्लीट किया हम लोगों ने। 87,600 घंटे के अंदर हम लोगों ने 52,56,000 मिनट कंप्लीट किया है। 52,56,000 मिनट के अंदर हम लोगों ने जो है 31,53,60,000 सेकंड यूज किया है। 31,53,60,000 सेकंड इस कंप्लीट हो चुका है इस कोचिंग का। तालियां बजाइए। तो ये जो 31,53,60,000 ये जो सेकंड है, हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप टाइम की बात करते हो, समय की बात करते हो, वक्त की बात करते हो, तो आपको पता है एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी एक सेकंड में कोई इंसान बदल जाता है, किसी की सोच बदल जाती है। हो सकता है आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ बात हो रही हो, कोई बात आपके दिल में जाके बस जाए, और जब वो दिल में आपके जाके बसेगी, हो सकता है उसी पे आप इम्प्लीमेंट करो। अब आपको पता है संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लागू वाली डेट को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। इसका मतलब ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि जब तक आपके जीवन में, जिंदगी में चीज़ें लागू नहीं होंगी, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। आपने मेहंदी लगाना सीख लिया, जब तक किसी दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजाएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि आपको मेहंदी लगाने आती है। आपको मेकअप करना आ गया, जब तक किसी दुल्हन को आप सजाएंगे नहीं, मेकअप करेंगे नहीं, तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको मेकअप आता है। आपको केमिस्ट्री आ गई, पढ़ाना आ गया, जब तक आप केमिकल का एक्शन और रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ आपको आती है। मुझे पता है कि एक बीघा में मान लीजिए 12 किलो यूरिया डाली जाती है। हमें 12 किलो यूरिया जब तक डाल के उसको इंप्लीमेंट करके उसका एक्सपेरिमेंट चेक नहीं करूंगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ मैंने किताब में पढ़ा था 12 किलो यूरिया डाली जाती है। हो सकता है ज्यादा पानी वाले खेत में कम यूरिया डाली जाती हो, हो सकता है जो बंजर जमीन हो, जो बैरन लैंड हो, बैरन फील्ड हो सकता है वहां पे जो है कि कम यूरिया या ज्यादा यूरिया डाली जाती हो। इसका मतलब मुझे ये चीज कब पता चलेगी, जब मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो 2-4 लाइन के साथ हम इस तरह से शुरू करना चाहेंगे कि पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, फ्लाइट नहीं होती थी, स्टूडेंट्स नहीं होते थे, पढ़ाई नहीं होती थी, स्टूडेंट्स नहीं होते थे, पढ़ाई नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, वो जगह नहीं होती थी, जगह नहीं होती थी, साइकिल नहीं होती थी, वो लोग तो समझते नहीं थे, फिर उनको समझ आया, लोग तो समझते नहीं थे, फिर उनको समझ आया, हमसे मिलने के बाद उनकी मेहनत का रंग आया। ओ पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी,
मैं हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के शुरुआत की बात कर रहा हूँ। पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, स्टूडेंट्स नहीं होते थे, पढ़ाई नहीं होती थी, और एक आदमी परेशान रहता था, क्योंकि उस वक्त उस टाइम ये माहौल ही था कि आज जो आप लोग 400-500 लोगों की संख्या में बैठे हुए हैं, आज आप सुन रहे हैं, तो पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ एक चीज होती थी कि इंसान के जुनून की, इंसान के अंदर एक चमक थी, एक फ्लाइट थी। इसी तरह से मैं एक चीज लिखा था कि रिश्तेदार छूट गए, स्टूडेंट से मुलाकात हुई, स्टूडेंट से मुलाकात हुई, रिश्तेदार से रुसवाई हुई, कभी मेरी जिंदगी में किसी से मिलन तो कभी मेरी जिंदगी में किसी से जुदाई हुई। समझ पा रहे हैं आप? कभी मायूस हो जाता था, कभी बेहाल हो जाता था, कभी मैं मेहनती तो कभी बाकमाल हो जाता था, कभी यूं ही इत्मीनान से बैठ जाता था, और कभी मैं अपने आप के ऊपर ये समझता था, ये सोचता था कि मैं जो है कि मेहनत करूंगा और मेरी मेहनत देखते रंग लाए। मैं आपको एक से शुरू करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आप सभी लोग तक आवाज पहुंच रही होगी। आई होप दैट यू वुड बी गेटिंग माई साउंड, गेटिंग माई वॉइस। आवाज चल रही है ना? ओके। सबसे पहले मैं आ रहा था तो मैंने एक एग्जाम्पल, ये है आम, कच्चा बादाम धाम। समझ रहे हो आप? अब ये जो आम है, अब आप आम को समझो, ये आम है, पहले ये क्या बोलते हैं उसको, ये बौर, बौर लगती है, राइट, बौर के बाद वो टिकोरा, टिकोरा के बाद कच्चा बादाम, राइट, फिर उसके बाद ये आम पकता है, पकने के बाद इसका मार्केट में जो दाम होता है वो 40-50 रुपए किलो होता है, कभी कभी जब ज़्यादा छोटा होता है या ज़्यादा डिस्काउंट में आता होता है तो 30-35 रुपए किलो। लेकिन जब इसी आम का आप अचार बनाते हो, जब इसी आम की आप खटाई बनाते हो, प्रोसेस बदल गया, एक प्रोसेस हट के हो गया, यूनिक हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे प्रोसेस बदलेगा वैसे आपका जो अचार होगा वो 150 रुपए किलो हो जाएगा, 200 रुपए किलो हो जाएगा। ज्यादा लोगों को आम ही पसंद है, ज्यादा आम पसंद, ज्यादा अचार नहीं पसंद है, लेकिन अचार कभी कभी इतना ज्यादा काम आता है, जैसे बारिश के मौसम में सब्जी नहीं बन पाई, अचार आदमी दाल में डाला खा लिया, तो अचार उस वक्त बड़ी याद आती है, काश मेरे घर में अचार होता, और मुझे भी बड़ा अचार पसंद है। तो अब देखिए, अचार और खटाई की हो गई महंगाई आम से ज्यादा, इसका मतलब हमें जीवन में यह समझना है, जिस तरीके से जो प्रोसेस है अपनी जीवन का, जिंदगी का क्या प्रोसेस है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा खड़ा हो जाता है, बच्चा चलने लगता है, बच्चा जवान हो जाता है, बच्चे की शादी हो जाती है, बच्चे के बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चा दादा बन जाता है, दादा बनने के बाद बोलता है हे भगवान उठा ले, मतलब ये प्रोसेस है, ये जीवन का एक प्रोसेस है, जीवन में सबको ये हासिल करना है, सबको ये मुकाम हासिल करना है। बट द पॉइंट इज दैट हमें क्या समझना है, हम आम तो आम का प्रोसेस तो सेम, आम तो आम आएगा ही, लेकिन हमें इस आम से खटाई भी निकालनी है, इस आम से हमें जो है अचार भी निकालना है। उसी तरह से जिंदगी में कुछ मोड़ लेना है, कुछ हट के करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ लोगों से अलग करना है, प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। भाई आज आदमी 22 का हो गया, शादी के इंतजार कर रहे हैं, अरे कब बरतिया जाएगी, तो बरतिया तो जाएगी यार, थोड़ा बरात से पहले तैयार तो हो जाओ, दूल्हा तो बन जाओ, दुल्हन तो बन जाओ। ये दूल्हा दुल्हन ये मतलब नहीं कि बिंदिया लगा के मेहंदी कुचूड़ी खनका के, ये दुल्हन दूल्हे का मतलब नहीं है, दूल्हे दुल्हन का मतलब है कि आप इतना कैपेबल हो जाओ कि जो आपके घर पे रिश्ता लेके आए उसको भी गर्व महसूस हो कि मैं किसी के घर पे रिश्ता लेके जा रहा हूँ, उसको भी अच्छा लगे, किसी से बोले हाँ भाई क्या अब्दुल्ला सर का रिश्ता लेके जा रहा हूँ। वैसे मेरे अब्बू बैठे हैं, मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेरे पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, राइट, वो कहेंगे कि चलो तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ अभी तुरंत। और तो पॉइंट ये है कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप जो भी करो उसमें थोड़ा सा आप मेहनत लगा के करो। अब मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, ये समझ रहा? अब मैंने क्या किया, एक आदमी बेच रहा था, ये अब जब बेच रहा था तो मैंने देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये बचता है तो मैंने खरीद लिया, मैंने कहा ठीक है मैं खरीद के मैं कोशिश कर, वो बड़ा अच्छा बजा रहा था, फिर मैंने कहा मैं इसको खरीद लिया, मैंने कहा अब मैं खरीद तो लिया लेकिन मैं बचा नहीं पा रहा हूं क्योंकि इसकी मेरे पास कला नहीं है। आपके पास 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया आपके पास आ सकता है, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलना सीख लोगे, आप कंप्यूटर चलाना सीख लोगे, जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, जब तक उसकी आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं इसकी 10 दिन प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे ये बांसुरी बजाने आ जाएंगे, मैं उसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करने आ जाएगा। मतलब हमें क्या समझना है, हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। आप बाइक ले सकते हैं 56,000 की, 1,00,000 रुपए की, यही फिसल के गिरेंगे बरसात के मौसम में, और जब हड्डी टूटेगी तो कहेंगे क्या हुआ, 1,00,000 रुपए जेब में था, जब बाइक तो ले लिया, ब्रेक लगाने आती नहीं थी,
समझ रहे हैं? बोलने तो आता था लेकिन ये नहीं बोलने आता था, ये समझ में नहीं आता था कि कब कहाँ पे क्या बोले, और आप वहां पे फेलियर हो जाओगे। अब मेरे पास तीसरा एग्जांपल है, पानी, वाटर। सबके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो पानी होती है, जल होता है। आपके घर में एक टंकी लगी हुई है, वो टंकी आपके छत के ऊपर रखी हुई है, उसी टंकी का पानी आपके किचन में आता है, उसी टंकी का पानी आपके वॉशरूम में जाता है, उसी टंकी का पानी आपके बाथरूम में जाता है। पानी वही है, जगह बदलने से पानी की औकात बदल जाती है, जगह बदलने से इंसान की वैल्यू बदल जाती है। वही आप समझ रहे हो आप, इसी पानी को आप, ये जो वॉशरूम में पानी आएगा, जो टॉयलेट में आएगा, उससे कभी आप अपना चेहरा नहीं धो सकते, उससे कभी आप नहा नहीं सकते, क्योंकि जगह बदल गई। पानी वही है, पानी वही है, जगह बदल गई। इसलिए जब भी आप इंसान वही है, आप सब लोग माँ के पेट से आए हैं, आप सब लोग माँ के जो है कि कोख से जन्म लिए हैं, सब इंसान है। इंसान क्या है, किस जगह पे बैठ रहा है। इसी में से लड़के होंगे, कुछ लोग को बड़ा अच्छा लगता होगा बीड़ी पीना, सफलता की सीढ़ी डंकी डंका बीड़ी। किसी को लगता होगा कि यार टाइम वेस्ट करना, किसी को लगता होगा कि चलो जैसे जिंदगी चल रही है कट रही है काटो। नहीं, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आप और मेरे बीच में औकात देखो। औकात क्या है, मैं आपकी उम्र का हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप मेरी उम्र के हो, आप वहाँ बैठे हो, हमारे और आपके बीच में क्या फ़र्क है, उसे कभी महसूस करते हो आप? हमारे और आपके बीच में क्या फ़र्क है कि मैं दिल्ली में लेक्चर देता हूँ, हमारे और आपके बीच में क्या फ़र्क है कि जो स्टॉक वाले मुझे बुलाते हैं, हमारे और आपके बीच में क्या फ़र्क है कि मैं यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर से मेरे जो है कि 60-70 हज़ार फॉलोअर है फेसबुक पे, हमारे और आपके बीच में क्या फ़र्क है कि मैं इंग्लिश स्टेज पे बोल लेता हूँ, हमारे और आपके बीच में क्या फ़र्क है कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ, हमारे और आपके बीच में क्या फ़र्क है कि मेरा जहन मेरी मानसिकता इतनी फास्ट है, हमारे और बीच आपके बीच में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है कि आप पानी की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे कि पानी बहा कहाँ से रहे। आप समझ पा रहे हैं इस बात को आप गौर से समझिए। इसी चेयर पे बैठे हुए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आए काश मेरे सामने कोई नाच हो जाए, कोई डांस हो जाए। बहुत लेट से अब्दुल्ला सर बोल रहे हैं, जल्दी से कोई गाना हो जाए, कोई डांस हो जाए, मुझे थोड़ा सा मेरे आनंद आ जाए। इसी चेयर पर बैठा हुआ कोई इंसान सोच रहा होगा बड़ी गर्मी हो रही है, इसी चेयर पर बैठा हुआ कोई इंसान सोच रहा होगा कि यार मौसम जो है बड़ी उमस है मौसम में, इसी चेयर पर बैठा हुआ कोई इंसान ये सोच रहा होगा कि मुझे तो रिश्तेदारी या शादी में जाना है, इसी चेयर पर बैठा हुआ कोई इंसान ये सोच रहा होगा कि मुझे किसी दोस्त ने बुलाया है, इसी चेयर पर बैठा हुआ कोई इंसान ये सोच रहा होगा कि मुझे घूमने जाना है, इसी चेयर पर बैठा हुआ कोई इंसान ये सोच रहा होगा कि मुझे तो अरे यार चल के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे चैट करनी है, मुझे जो अपना टाइम वेस्ट करना है। और इसी चेयर पर बैठा हुआ कोई इंसान ये सोच रहा होगा कि आज निकला हुआ जो जुबान से शब्द है वो मेरे जहन में जाना चाहिए, आज जो यहाँ पे शब्द मिल रहे हैं, आज जो बातें हो रही है, हो सकता है कि किसी की भी बातें, मुकेश सर की बात, जय सर की बात, विशाल सर की बात, आकाश सर की बात, विकी सर की बात, आनंद सर की बात, शाहिद सर की बात, अरे जितने भी आपके टीचर्स हैं, आशुतोष सर की बात, कोई भी बात आपको अगर लग जाएगी तो हो सकता है कि कल से आपका जीवन एक अलग मोड़ ले लेगा, एक अलग जो है कि जिंदगी से जोड़ ले लेगा। जीवन में आप पता है, आपको पता है ना, हो शुरुआत में तो डर लगता था अब नहीं लगता, शुरुआत में दिल घबराता था अब नहीं घबराता, वही वाली बात है। शुरुआत में दिल धड़केगा, शुरुआत में घबराहट होगी, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, शुरुआत में दिक्कतें होंगी, शुरुआत में रुसवाई होगी, शुरुआत में जुदाई होगी, शुरुआत में बेईमानी होगी, शुरुआत में लाचारी होगी, शुरुआत में भुखमरी होगी, शुरुआत में बेकारी होगी, शुरुआत में बेकारी होगी, शुरुआत में बीमारी होगी, शुरुआत में लाचारी होगी, शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें होगी। लेकिन आप उसी प्रोसेस को नहीं झेल पाते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। आपको पता है जब आपकी मान लीजिए शादी हो गई, मैं शादी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग 24-25 के, आप सब लोग तैयार हैं, कहा माला पहन के जाना है, कहा कार में बैठ के जल्दी जाना है। अब आप सब लोग की शादी होगी, अब क्या है, जैसे आपकी बीवी आएगी, अब शुरुआत में क्या होगा, वो मान लो कहीं क्रीम, आप कहेंगे अरे यार मम्मी ने कभी क्रीम मांगा नहीं, बहन ने कभी क्रीम, आप अचानक घबरा जाओगे, अरे क्रीम कहाँ से लाऊं, पैसा है, शुरुआत में क्या होगी, दिक्कत होगी। फिर धीरे धीरे जो आपकी पत्नी होगी, आपकी वाइफ होगी, समझ जाएगी, चलो मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, मुझे क्रीम नहीं मांगना है, पाउडर नहीं मांगना है, मैं करीखा पोत के रह लेती हूँ, मतलब वो आपके साथ कोऑपरेट करेगी, मैनेज करेगी। इसका मतलब आपको ये चीज समझनी है कि शुरुआत में कोई भी चीज, आप कोई भी काम करोगे, मैं थोड़ा सा आपका समय क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं ये बात बोल दूंगा, ये बात बोलने के बाद फिर उसके बाद आप सारा प्रोग्राम्स देखोगे, आप सारी चीजें देखोगे, आपको एक एक चीजें समझ में आएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, एक हस्बैंड और एक वाइफ की, एक पति और पत्नी की। पत्नी और पति में अनबन होती है, बड़ी दिक्कत होती है आपस में, तो पत्नी कहती है यार हम लोग झगड़ा बहुत कर रहे हैं,
क्या बात है, क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद पत्नी कहती है, काम करो मैं दो डायरी लेके आती हूँ। पत्नी क्या कहती है, एक काम करो मैं दो डायरी लेके आती हूँ और उस डायरी में जो जो तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं वो तुम लिख देना और जो जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं वो मैं लिख दूंगी, और एक साल बाद जब हमारी शादी की सालगिरह आएगी तो तुम मेरी डायरी पढ़ लेना और मैं तुम्हारी डायरी पढ़ लूंगी। तो पति कहता ठीक है, मैं तैयार। अच्छा, दोनों लोग का दूसरी वाली सालगिरह आती है, पत्नी कहती है हस्बैंड डायरी ला, डायरी लेके आओ। पति कहता है ठीक है तुम अपनी डायरी पहले दो। तो पत्नी की डायरी में हस्बैंड ये पढ़ता है कि जब मेरी सालगिरह आती है तो तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। पति कहता अच्छे, दूसरा पेज पलटता है, फिर कहते हैं कि जब भी मेरा जन्मदिन आता है तुम मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देते, तुम बस मुझे घर पे ही रखते हो, तुम बहुत खराब हो, तुम मेरी भावनाओं को समझते नहीं, मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते। तो पति कहता है अच्छे ठीक है। तीसरा वाला पलटता है, कहता है जब भी मेरे रिश्तेदार आते हैं, पत्नी कहती है जब भी मेरे रिश्तेदार आते हैं, माता पिता आते हैं, तुम उनका सही से सम्मान नहीं करते, मुर्गा मछली पनीर नहीं बनवाते, क्या है ये आलू और पालक ला के रख देते हो। मतलब आलू पालक वहाँ नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ, तो समझ रहे कुछ, मैं बातों नहीं थोड़ा सा हूँ, बात बनाने वाला इंसान हूँ, मैं कॉपी नहीं करता, नकल नहीं करता। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अब ये पलटता जाता है, शिकायतें मिलती जाती है। अब पति कहता है कि तुम मेरी डायरी पढ़ो। पहला पेज खोलती है पत्नी, ब्लैंक खाली। दूसरा पेज खोलती है, खाली। अरे तुमने कुछ लिखा नहीं, कहते और खोलो। पति कहता और खोलो, खोलते खाली 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 खाली। कहते तुम आज भी तुम मुझे धोखा दे दिए, कुछ नहीं लिखे डायरी पे। फिर पति कहता है तुम लास्ट पेज खोलो। लास्ट पेज जब पत्नी खोलती है तो पति उस पे लिखा रहता है, तुम कितनी भी शरारत कर लो, तुम कितनी भी बगावत कर लो, तुम कितनी भी नफरत कर लो, तुम कितनी भी मुझे हैरान कर दो, परेशान कर दो, बट आई लव यू सो मच, मैं तुमसे जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, माई वाइफ, मेरी पत्नी। अब इससे आपको सीख क्या मिली, जो पति होता है, जो इंसान होता है, जो लड़का होता है, जो पिता होता है, वो हमेशा अपनी भावनाओं को दबा के रखता है। आपको पता है औरतें रो देती हैं, लड़कियां रो देती हैं, अपनी बातें कह देती है। पत्नी ने अपनी बात कह दिया कि तुम मुझे केक लाके नहीं खिलाए, लेकिन पति ने कहा नहीं, पति सारे पेज को कर दिया। उसी तरह से मैं आप सभी लोग से कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता जो है, लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा, जैसे मेरे पिताजी वहाँ बैठे हुए, मेरे अब्बू, अब मैं कभी मंच पर बोलता नहीं हूँ, मंच पर आप मेरी पर्सनल कोई वीडियो नहीं देखेंगे, मैं पर्सनल बातें नहीं करता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लो जब मैं गाय हम लोग के पास होती थी या भैंस होती थी कभी, तो जब मैं चारा वारा देने जाता था तो मेरे अब्बू मुझे खुद रोक लेते थे, क्यों तुम्हें नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम अपना काम करो। एक पिता का अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी मदद नहीं कर रहा, वो किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेगा, किसी भी रूप में। हो सकता है आपको आपका टाइम फ्री दे दे। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई पिता अपने बेटे को समय दे दे, कोई पिता अपने बेटा या बेटी को आज़ादी दे दे, कोई पिता अपने बेटा या बेटी से कह दे, कंधा ठोक के कह दे जा तू जो करना है कर, उस पिता की सबसे ज़्यादा सम्मान करना, सबसे ज़्यादा इज्जत करना। पैसा आज जेब में जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आज़ादी पिता देता है, जो सपोर्ट देता है, जो बैकअप देता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से लीजिएगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम अक्सर क्या होता है ना, थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे बीच में मुझे भी लगा यार मेरे पिताजी समझ ही नहीं रहे हैं, मेरे अब्बू कुछ समझते नहीं हैं। आदमी आ जाता है, जवान खून आता है इंसान के अंदर, तो आदमी सोचता है अरे कुछ नहीं समझते, लेकिन वो जितना समझ सकते हैं उसका आप इतना भी नहीं समझ सकते। जितना ज़्यादा आपके पिता आपके बारे में समझ सकते हैं उसका आप इतना भी नहीं समझ सकते। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं या आपके माता पिता की ही देन है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कभी भी उनका अपमान मत करना, हमेशा सम्मान करना। ये मैं लास्ट आपसे बड़ी भावनाओं के साथ कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, राइट। और उनका कभी भी अपमान मत होने देना, कुछ भी ऐसा काम मत करना जीवन में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। तो आप मेरे साथ तैयार हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये करना आप लाइफ में हमेशा, बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने माता पिता का सर कभी झुकने मत देना, हमेशा उनका सम्मान बना के रखना, इज्जत बना के रखना। बाकी जीवन में, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती रहेगी, जाती रहेगी, राइट। और मुझे लोग एक चीज़ के लिए जानते हैं, मान लो मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है क्या नहीं है, एक चीज़ के लिए जानते हैं कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। आप जिससे भी मिलोगे, आज तक मेरा कोई पुराना स्टूडेंट भी होगा, मैं उसका देखूंगा तो नाम बता दूंगा, उसका गांव बता दूंगा, और उसको ये भी बता दूंगा कि किस साल में तुम हैप्पीनेस में आए थे और इंग्लिश सीखे थे, मैं तुम्हें पढ़ाया था। मेरे पास ये चीज़ जो है कि ये चीज़ मैं रखता हूँ। और लास्ट में आप लोग से ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी गार्जियंस बैठे हैं, आप जितने भी गार्जियंस इस इलाके में हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत होती है,
पैसे में दिक्कत होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, आपकी ऑफिस, आपके हैप्पीनेस की ऑफिस खुली हुई है, आप आइए वहाँ बताइए। और हम लोगों ने कम से कम हर साल हम लोग जो है कि मैं बातें नहीं अच्छी लगती कहना स्टेज पे, हर साल हम लोग कम से कम 100 लोगों को या 150-200 लोगों को हम अपने चारों इंस्टीट्यूट में मिला के फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो असमर्थ है, जो असहाय है, उसकी जो है कि व्यवस्था और उसकी मदद हमें करनी चाहिए, और वो चीज़ हम करते हैं। आज भी आपके अब्दुल्ला 10 साल से जो है कि इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, दिल्ली तक चला रहे हैं। अब्दुल्ला सर को आपने कभी देखा कि कार से आते हुए? आज कार से आए थे लेकिन अपनी कार से नहीं आए थे। अब्दुल्ला सर की स्कूटी टूटी हुई है, मुकेश सर की बाइक टूटी हुई है, जय सर की बाइक टूटी हुई है। आप कभी आप लोग महसूस करिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आज भी चाहें तो हम लोग जो है कि दिमाग बहुत है, दिमाग लगाना चाहें तो पैसे में दिमाग लगा सकते हैं, और 2-4 महीने के अंदर हम अपनी कार खरीद के आ सकते हैं, बिल्डिंग बनवा सकते हैं, अपनी खुद की ज़मीन लेके अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। लेकिन जब भी हमारी ऑफिस में कोई आता है और कहता है कि भैया पैसे की दिक्कत है, तो हम कहते हैं 1 रुपये नहीं चाहिए। और यहाँ नहीं, सिर्फ मैं दिल्ली तक ये काम कर रहा हूँ। दिल्ली में जहाँ 1 रुपया किसी का कोई माफ़ नहीं करता, वहाँ मैं पूरी फीस माफ़ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा कभी रुके ना। ये अलग से ऊपर से आदमी देखता होगा कि अब्दुल्ला सर बड़ी स्टाइल में रहते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा ये करते हैं, बड़ी अय्याशी करते हैं, बड़ा मौज करते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं। ये हम लोग सिर्फ अपने मन को खुश करने के लिए करते हैं। हम लोग जो अंदर से काम करते हैं वो समाज के लिए करते हैं, समाज के भलाई के लिए करते हैं। और आप लोग जब भी, लास्ट में एक बात और कहूँगा, मैं समय आप लोग का ज़्यादा ले रहा हूँ, प्रोग्राम्स काफ़ी सारे हैं। कोई भी काम करिएगा ज़िंदगी में, कोई भी काम करिएगा जीवन में, कोई भी काम, उसमें थोड़ा सा इंसानियत ज़रूर रखिएगा, थोड़ा इंसान का भला ज़रूर रखिएगा। आजकल लोग बहुत बेईमान हो रहे हैं, बेईमान आप मत बनिएगा, भगवान खुदा ईश्वर आपका हमेशा भला करेगा। थैंक यू सो मच। और मैं 4 लाइन आपके सामने कहना चाहूँगा कि लास्ट में आप लोग को एंटरटेन करते करते जाऊँ। अनजाने हो जो तुम, बेगाने हो जो तुम, पहचाने लगते हो क्यों तुम, गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा, जानूं मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, अजनबी अपना मुझे तू लगा। आप सब लोग अपने हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।